अस्सलामुअलैकुम। इस लेसन में हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। आज का लर्निंग आउटकम होगा कि इस वीडियो के इख्तिताम पर आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकें। जिस तरह का आप ये ग्राफ देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये ग्राफ आप ना सिर्फ पढ़ सकें इसको बना भी सकें। बेसिकली ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या ओजाइव जो है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज को ग्राफिकल सूरत में जाहिर कर रहा होता है, जैसे कि ये शक्ल में आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट को रीड करें तो ये जो है 79 एज वाले जो लोग हैं, यानी 79 की एज से कम वाले जो लोग हैं वो टोटल, उनकी तादाद अगर ये 100 पे टच हो रहा है तो 100 गोल्फर ऐसे हैं जिनकी एज जो है 79 से कम है। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट को लेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप इसको यहाँ से हम मैच करते हैं तो ये अराउंड 60 आ रहा है, यानी 60 ऐसे गोल्फर हैं जिनकी एज जो है वो 59 से कम है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली सूरत में इसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज को प्रेजेंट करते हैं और उसके ज़रिए हम मीनिंग ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम इसको ग्राफिकल तौर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ये लास्ट लिमिट और फ्रीक्वेंसीज है जिसको हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज को ग्राफ की सूरत में हमने बनाना है। तो फर्स्ट जो है हम एक ग्रुप ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि जहाँ पर यह ख़त्म हो रहा है वहीं से ये शुरू होनी चाहिए, यानी प्रीवियस की जो अपर लिमिट है वो करंट की या बाद वाले की जो है वो लोअर लिमिट होनी चाहिए। तो आइए हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बांटते हैं, यानी क्लास बाउंड्रीज में बांटते हैं। जैसे कि हम पिछले लेसन्स में देख चुके हैं कि 0.5 हम कम करते चले जाएंगे और 0.5 अपर लिमिट पर 0.5 बढ़ाते चले जाएंगे, इसी तरह से लोअर लिमिट पर कम करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कम करते हुए हमने एक क्लास बाउंड्रीज बना ली और एक हमने ऐड किया था, तो जाहिर है कि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, 2, 4, 5, 6 इसकी फ्रीक्वेंसी है। और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज हम इस तरह से बनाते हैं, पहली वाली वैसी उतरती है, दूसरी में क्या होता है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी है इसको हम ऐड कर देंगे और यहाँ लिखते चले जाएंगे। जैसे कि ये देखें आपने 0 में 2 ऐड किया, इसी तरह से जो ये आंसर है इसमें ये वाली जो फिगर है बाउंड वाली ये ऐड हो जाएगी, यानी 4 और 2 6 हो जाएगी। इसी तरह से और नेक्स्ट हम बनाएंगे, यानी 6 में 8 ऐड करेंगे हमें 14 मिल जाएगा, इसी तरह से 14 में 3 ऐड करेंगे हमें 17 मिल जाएगा। आइए इस टेबल को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं, जिस तरह से हमें क्योंकि प्लॉट करना है, तो लेस देन 3.50 है, लेस देन 6.52 है, लेस देन 9.56 है, इसी तरह से लेस देन 12.14 है, इसी तरह से लेस देन 15.5 से कम वाले जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो 17 है, और इसी को हम प्लॉट कर लेंगे अगली स्लाइड में। तो आइए हम इसको प्लॉट करते हैं। हम एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे हर स्मॉल बॉक्स जो है हम 3 के बराबर लेंगे। तो आइए हम लेना शुरू करते हैं 3.5, यानी 10 बॉक्सेस का जो फासला है वो 3.3 के बराबर है। तो इस तरह से हमने इसको निशान लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने प्लॉटिंग कर ली। और वाई एक्सिस पे 10 स्मॉल बॉक्स 2 के बराबर है, 2, 4, 6, 8, और ये हमने 16 कर लिया। और अब हम इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे। तो 3.5 पे जो हमारी वैल्यू है वो है 20, तो आइए 0 पे एक डॉट लगाते हैं। इसी तरह से 6.5 पे जो है 2 है, तो 2 इस जगह पे आ रहा है, आइए यहाँ एक डॉट लगाते हैं। इसी तरह से 9.5 पे 6 है, तो 2, 4, 6 इस जगह पर एक डॉट लगाते हैं। इसी तरह से 12.5 पे 14 होगा, तो ये 14 इस जगह पे आ रहा है, तो यहाँ हम एक डॉट लगाएंगे। इसी तरह से 17 जो है वो 15.5 पे है, तो ये 16 हो गए और एक ऊपर गए, 17 हो गए, और इनको हम जो है वो मिलाना शुरू कर देंगे इन डॉट्स को। और इस तरह से हमारा जो है ओजाइव या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ग्राफ जो है वो बन जाएगा। और ये हम इस तरह से हम ये डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि 6 लोग ऐसे हैं जिनके जो के 9.5 से कम है, इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाना आई होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको इसी तरह से लर्निंग वीडियोस मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।